Hi, John. Scott. आपका दिन कैसा गुजरा? आज आप काफी थके भी लग रहे हैं। काफी काम था ऑफिस में। हैरत की बात है, इस पोजीशन पर भी आपको इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है। खैर, आज फ्राइडे है तो मैंने खाना नहीं बनाया, लेकिन अगर आपका बाहर जाने का मूड नहीं है तो मैं अभी भी तैयार कर सकती हूँ। अरे मैं ले आती हूँ। बैठी रहो। सारा गोश्त जमा हुआ है, खाना बनने में तो टाइम लगेगा। मैं ऐसा करती हूँ, आप झटपट चाय लेकर आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे आप टेंशन नहीं, अभी। अरे मैंने कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं। प्लीज सिमरन बैठ जाओ। मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या हुआ जान, सब ठीक तो है ना? शायद तुम्हें ये बात सुनकर थोड़ा सदमा हुआ, लेकिन ये जरूरी है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी परेशानी का बायस बनने की मेरी कोई नीयत नहीं थी और ना है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और शायद तुम मुझे इसका जिम्मेदार भी करार दो। मैं इसके बारे में बहुत सोच चुका हूं सिमरन, और मुझे अब तुम्हें सब कुछ जल्द अज जल्द बताना ही ठीक लगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि अगर इस सब के बाद भी तुम मुझसे नफरत करती हो तो, लेकिन मैं अब किसी और से प्यार करता हूं सिमरन, और मेरा यकीन करो, मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूं और ना ही तुम्हें दुख देने का मेरा कोई इरादा था। किस तरह मेरी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गई मुझे खुद समझ नहीं आया, और अब उसके बगैर जीना मेरे लिए गवारा नहीं है। एक ऐसे आदमी के साथ रहना जो किसी और की मोहब्बत में मुब्तिला हो, ये तुम्हारे साथ ज्यादती है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बच्चे के सारे अखराजात उठाऊंगा, तुम्हें किसी किस्म की कमी नहीं आने दूंगा, और मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि इन सब बातों के लिए ये सही वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हें और गुमराह नहीं रखना चाहता। बच्चे की पैदाइश तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और इसमें मुझे किसी फसाद की जरूरत नहीं है। मेरा तो यही मानना, और वैसे भी किसी भी किस्म का तमाशा मेरे काम के लिए भी ठीक नहीं होगा। प्लीज मुझसे आप मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं सिमरन? तुम समझ रही हो ना? मैं आपकी चाय ले आती हूँ। खुदा का वास्ता सिमरन, मेरे लिए खाना मत बनाओ, मैं बाहर जा रहा।
मैंने मार दिया, अपने शोहर को मार दिया, मुझे ठीक हो जाएगी, कातों को तो फांसी दी जाती है, ये मेरा बच्चा क्या उसे भी मार देंगे, या उसे ये तीनों की तरह पलना होंगे, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे अपने आप को बचाना होगा, मुझे अपने बच्चे के लिए अपने आप को बचाना होगा। अल्लाह की मर्जी को कौन रोक सकता है? जहाज भाई अच्छे आदमी थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मैं अभी आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है। क्या मुझे बता सकते हैं ये सब कैसे हुआ? हम हर फ्राइडे बाहर डिनर के लिए जाते हैं, लेकिन वो आज थके हुए थे, घर में सब्जी नहीं थी, तो मैं बाहर सब्जी लेने गई थी, और जब मैं वापस आई तो वही जमीन पे जमीन ही करती है, दरवाजा बंद करना। सबर कीजिए भाभी, मुझे शुरू से बताइए, वो कितने बजे घर आए? क्या वो परेशान लग रहे थे, या उन्होंने कुछ ऐसा जाहिर किया हो जिससे उनकी जान को खतरा हो? वो तकरीबन 8:30 बजे तक घर आए थे, मैं अपनी कढ़ाई कर रही थी, और उन्होंने कहा कि आज बहुत काम था और वो काफी थक गए हैं। मुझे अंदाजा हो गया था बाहर जाने के मूड में नहीं होंगे। मैंने उनसे कहा कि खाना बनने में टाइम लगेगा, लेकिन उनको कोई फिक्र ही नहीं थी, कह रहे थे कि उनकी
उनकी भूख मर गई, मगर मैं फिर भी बीवी हूँ उनकी। मैं सब्जी लेने चली गई जब मैं वापस आई। सर आपसे एक जरूरी बात करनी। देखिए सर, हथियार कोई भारी और तेज धार की चीज है, समझ लें कोई गोल्फ क्लब जैसा। घर में तो हमने ढूंढना शुरू कर दिया है, अब या तो मुजरिम उसे लेकर भाग गया या घर में ही कहीं छुपा दिया। ठीक है, तुम घर की छानबीन के बाद मोहल्ले से पूछगुछ शुरू करो। अगर हथियार भारी है तो मुजरिम उसे लेकर ज्यादा देर नहीं चल पाया होगा। हथियार मिलने पर खूनी भी बाहर आ जाएगा। एक बार एजाज भाई के साथ करने वाला ये मिल गया, मार मार के खुद बदला लूंगा। जज्बात पर काबू रखो और हथियार ढूंढने पर ध्यान दो। एक और बात, क्या मुजरिम एक औरत हो सकती है? क्यों नहीं, मगर क्या आपको लगता है ये सब भाभी का किया था? नहीं, लेकिन ये कोई राज की बात नहीं कि हमारे दोस्त कुछ शौकीन मिजाज हैं। भाभी कह रही थी कि वो काम से 8:30 बजे आए, लेकिन थाने से वो 6 बजे निकले थे। घर में मजाहमत के और जिस्म पे तशद्दुद के कोई निशान नहीं, हो सकता है। हथियार मिलने पर सब बाहर आ जाएगा। नहीं, 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 इनको मत लेके जाओ प्लीज, इनको मत लेके जाए, एजाज को मत लेके जाए प्लीज। आप कहें तो मैं किसी को कॉल करूं आपको यहां से ले जाने के लिए। आपके खानदान में किसी को या? मेरा कोई नहीं है, मैं यतीम हूं। सब कुछ इजाज़त है, उनका पूरा खानदान भी कैनेडा में। आपकी कोई सहेली जिसके साथ आप रह सकें? प्लीज इजाज़त, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा दिल कहीं नहीं लगेगा, मुझे अपने घर ही रहना है। चल ठीक है, लेकिन हम यहाँ रात देर तक रुके हैं, आप प्लीज़ कमरे में जा के लेट जाएं। ये सब आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। यतीम होना भी मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी है। पहले मेरे पास ना है, अब मेरा शोहर। प्लीज़ मेरी फिक्र मत करें, मैं यहीं ठीक हूँ। जो आप बेहतर समझें। भाभी, इनके ऊपर किसी भारी धात की चीज़ से हमला हुआ है, क्या आपके घर में मेटल का गमला या गोल्फ क्लब जैसी चीज़ है जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है? घर में ऐसा कोई गमला नहीं है, शायद एजाज के अब्बू के लॉफ्ट में गोल्फ क्लब्स हों, लेकिन वो तो अब्बू कनाडा ले गए थे। आप खुद ही देख लें प्लीज़। जी भाई। अभी आपको कुछ चाहिए? मैं वो पानी लेने आई थी। आप बैठे, मैं ला दूँ। अभी आप तो अवन, तो अभी तक कौन है? ये राम तो बिल्कुल तैयार लग रही है। आप उसे बाहर रख के अवन ऑन कर सकते हैं? ठीक है। Thank you.
नुकसान करेंगे। जी भाभी बोलिए। एजाज आप सबको इतना अच्छा दोस्त समझते थे, यहाँ हम लोग पूरी रात लगे हुए उनके कातिल को ढूंढने में, आप में से किसी ने कुछ खाया भी नहीं होगा। अगर मैं कोई मेहमान नवाजी के बगैर आपको जाने दूं तो एजाज उनसे बहुत नाराज होंगे। प्लीज प्लीज आप लोग ईरान में बांट के खा लें। नहीं भाभी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। एजाज भाई मेरी भूख तो बिल्कुल उड़ गई है, ये यहाँ पड़े पड़े सड़ जाएगा। आप लोग प्लीज ये खा लें, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे होंगे। आप बिला वजह तकल्लुफ कर रही हैं, हम बाहर से मंगवा लेंगे कुछ। प्लीज एजाज भाई। आप इतना इसरार कर रही हैं तो हम खाने का ब्रेक ले सकते हैं। सबको बोलो खाने के लिए किचन में आ रहे हैं। जी सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इमरान भाई और ले ना, हमें भाभी के लिए भी कुछ बचाना चाहिए। वो चाहते हैं हम सब खत्म कर लें, कह रही थी उनके लिए आसानी होगी। ऐसी बात है तो मैं सारा खा जाऊं, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। किसी भारी और बड़ी चीज से मारा है बेचारे एजाज को। डॉक्टर कह रहे थे कि उसके सर के ऐसे टुकड़े हुए हैं जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। इसीलिए हथियार को ढूंढना आसान है। अल्लाह हमारे एजाज भाई की मगफिरत करे। वैसे भाभी अकेले उनके स्वयं की तैयारी कैसे करेंगी? एजाज भाई की तो वालदैन भी परसों आ रहे हैं, अल्लाह उनको सब्र और सुकून अता फरमाए। आमीन। जिसने भी ये किया है वो इतनी भारी चीज को लेकर ज्यादा देर नहीं चल सकता। मुझे तो लग रहा है हथियार यही है हमारी नाक के नीचे। तुम लोगों को क्या लगता है?